उठो चराग उठाओ के आपदा जलाए, जरा कदम तो उठाओ के एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। नमस्ते, मैं हूँ फरा खान। हमारे नई एडीएम साहिबा। बड़े घर में आपका स्वागत है। वो एडीएम साहिबा, आप हैं हमारे अभिमन्यु बाबू, बड़े मालिक के बेटे, छोटे सरकार, बड़े नेक और सच्चे दिल के इंसान हैं। और ये मंगत बाबू हैं, राजपुरा की शान है ये, पूरे राजपुरा में डंका बजता है इनके नाम का। नमस्कार, प्लीज आइए। आप यहां आई, हम सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ चाय ठंडा? जी नहीं शुक्रिया। मैडम चाय लेती नहीं है। तो कॉफी या कुछ और? जी नहीं। कम से कम पानी तो ले लीजिए। असल में डीएम साहब तो यहाँ खुद आकर अफसोस जाहिर करना चाहते थे, पर उन्हें एक मीटिंग में जाना पड़ा, इसलिए मैं। चतुर्भुज जी ने मुझे बताया बड़े साहब के बारे में। अब जी मैं कौन होता हूँ इतने बड़े आदमी के बारे में बताने वाला। जी वो जो सब सुना था वो सब बता दिया मैडम को। उम्मीद है आपने सब अच्छा ही सुना होगा। हाँ, शायद जो सच था वो ही सुना था चतुर्भुज जी ने। मेरे तो कहानी सच पे रहते हैं। मेरा तो काम ही ये है साहिब। जी मैं समझ सकता हूँ। बहुत ही नेक और ऊंचे ख्याल थे हमारे बड़े साहब के। आज भी ऐसा लगता है जैसे वो यहीं कहीं हैं और हमें देख रहे हैं। मालिक पानी। पानी लीजिए। होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। बड़े साहब का और हमारा साथ शायद इतना ही लिखा था। मुंशी तुम जाके खाने का इंतजाम करो। जी। एडीएम साहिबा दोपहर के खाने का समय हो रहा है, अगर आप हमारे साथ खाना खाएंगी तो। माफ कीजिएगा पर अभी मुझे जाना होगा, असल में आप ही के गांव में मेरी एक सहेली रहती है, तो आज का खाना उन्हीं के साथ है। आपकी सहेली और वो भी यहाँ? जी वो आंगनवाड़ी का काम संभालती है। मतलब शबनम बहन जी? जी शबनम मेरी बहुत पुरानी और अच्छी सहेली है, सुना है राजपुरा में बहुत अच्छा काम भी कर रही है वो। हाँ वो। जी जी बहुत अच्छा काम कर रही है जी। झंडे गाड़ दिए शबनम और आशा बहन जी ने। हाँ हाँ उन बहन जी ने झंडे गाड़ दिए और डंडे लगाए हमारे मुंशी ने। एडीएम साहिबा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम आपकी सहेली शबनम को। दर्जी की बेटी हैं और ढाबे वाली की लुगाई। बस इतनी सी औकात है उनकी।
बात करने से पहले शायद आप भूल रहे हैं कि वो हमारी सहेली और आपके गांव की आंगनवाड़ी बहन जी भी हैं। मैडम जी जब चलें? जी हाँ। हाँ चलिए। शबनम के घर पे हमारा खाने पे इंतजार हो रहा है। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। बड़े घर में आपके आने के लिए मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा, हम खाना लेकर आए हैं, खा लीजिए। पानी का लोटा हम अभी लेकर आते हैं। अरे हाँ, हम आपको एक बात तो बताना ही भूल गए। आज वो बड़े घर में वो साहिब आई रही, क्या कहते हैं उसका, हाँ एडीएम। हाँ, अरे हम तो उसको देख के दांतों तले उंगली दबा लिए। अरे भाई, एक तो छोकरी और ऊपर से इतनी छोटी उम्र की, यही कोई 20-25 बरस की रही होगी। जमाना आ गया है, अब का कहें। वो हमारे बड़े साहब की मातम पुरसी के लिए आई है। आप खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, और ठंडा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हम अभी आते हैं पानी लेकर, आप खाना खा लीजिए। बुआ जी, आपके पास थोड़ा सा टाइम है? अरे तेरे टाइम ही टाइम है बैठ। देखिए बुआ जी, मेरे फैमिली पिक्चर्स। ओ लला, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये तेरे मम्मी पापा कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आई नो, 5 साल पहले मिली थी मैं इनसे, पर इस फोटोग्राफ में बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। नो चेंज, बिल्कुल नो चेंज। पापा क्यूट लग रहे हैं ना इस पिक्चर में। एंड मम्मा विद अ लिटिल ब्रैट जोशिया, मेरी छोटी बहन। What a beautiful family. बहुत ही beautiful family है जी। I miss them all. पता है बुआ जी, जब मैं graduate हुई थी तो मम्मी पापा हमें रोम लेकर गए थे। रोम? हम वहाँ रहे थे 7 days और हमने वहाँ बहुत fun किया। So lucky you are ना। And you know what बुआ जी, मेरे मम्मी पापा मुझे हर चीज में support करते हैं। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका। पापा हमेशा कहते हैं फॉलो योर ड्रीम्स, हम तुम्हारे साथ हैं। यू सो लकी ना, वरना आजकल के जमाने में तो अनलकी पेरेंट्स ही होते हैं। पता है बुआ जी, जब मैंने मम्मी पापा को बताया कि मैं इंडिया आना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं रोका। उन्होंने कहा ध्यान से जाना, एंड लुक आई एम हियर। अब बस मुझे यहाँ के विलेजेस देखने हैं और वहाँ की लाइफ देखनी है। अरे विलेज विलेज में क्या रखा है? पता है विलेज जाके तेरी सारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। गाँव में ब्यूटी पार्लर थोड़ी होते हैं। मेरी मान तो यही रखे, वो यही लिख ले, क्या कहते हैं उसको, थीसिस। बुआ जी थीसिस। हाँ, वही तो मैं कह रही थी। पर बुआ जी, मैं चीटिंग नहीं करना चाहती। मैं तो विलेज जाकर ही अपना थीसिस लिखूंगी। अब तो बस मुझे विलेजेस देखने हैं। त्रिखा, ओ त्रिखा, इधर आ। हाँ बुआ जी, इसे ना मेरा गांव मेरे देश की डीवीडी लाके दे दे। यू नो, उसमें ना इंडियन विलेज बहुत ही खूबसूरती से दिखाए गए हैं। और पता है, उसमें मेरा फेवरेट हीरो भी है, धर्मेंद्र। आर यू किडिंग मी बुआ जी, आप मेरा मजाक तो नहीं बना रही ना? हां, मुझे रियल विलेज देखना है, असली गांव। ये लो, इन्हें भी काओ का डंग देखना है। पता नहीं इन लड़कियों को क्या मिलता है विलेज देखने में। पता है,
मैंने सैवी को भी समझाया था, अरे यही शहर में रह जा, सोना सा मुंडा देख, शादी कर, नौकरी कर ले, वो उस घूमने वाली चेयर पर बैठ। पर उसे पता नहीं गांव में क्या देखना था, और पता है वेस्टिंग लाइफ। बुआ जी, सैवी वहां लोगों की सेवा कर रही है। आपको तो याद होगा कि पापा ने भी उसे सपोर्ट किया था, और फिर आपको पता है कि सैवी वहां कैसे काम कर रही है। पता है सानिया, कितनी ही परेशानियां आई हो, पर सैवी रॉक्स। अरे क्या रॉक शॉक का? अरे ये कोई तरीका है यंग लड़कियों के रहने का? भाभी ये तो वही राजपुरा है ना जिसकी न्यूज़पेपर में छपी थी, कोई बिग शॉट था जिसकी डेथ हो गई थी। बुआ जी आपको पता है इसके बारे में? मैं ऐसे न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ती, तनी बेकार की खबरें छपती रहती हैं। अरे उनके जर्नलिस्ट को देखा कभी? झोला छाप बिल्कुल। ओ भाभी मैं तो भूल गई उस जर्नलिस्ट को फोन करना। बुआ जी एक मिनट, हाँ मैं फोन करती हूँ, आपसे ढेर सारी बात करती हूँ। क्या हुआ? सिग्नल प्रॉब्लम यहाँ रहती है, तुम वहां जाकर बात कर लो, नेटवर्क मिल जाएगा। ओके। बुआ जी चाय बनाओ। हाँ ब्लैक टी।